डॉक्टर शर्मा आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो ऑडियंस है हमारी उसमें किस स्तर के बच्चे हैं, जिससे मैं अपना जो लेक्चर है वो उसी जी हिसाब से मोल्ड कर सकूं। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है उसमें यूजी और पीजी के साइंस बैकग्राउंड के मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, और इसमें मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा जो हमें रजिस्ट्रेशन मिले हैं उसमें 95% पार्टिसिपेंट के करीब उत्तराखंड से हैं, और 5% पार्टिसिपेंट हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड और अदर स्टेट से हैं। तो करीब करीब हमारे पास जो ऑडियंस है, जो आप लेक्चर से आप जिनको लाभ मिलने वाला है, उसमें 90% 92% के आसपास हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे टीचर्स भी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, और उत्तराखंड बाहर से जो कुछ फैकल्टीज भी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो यूजी पीजी इसमें फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी के भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी है, और बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सभी को बेनिफिट मिले, और लेबोरेटरी एनालिसिस करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो यहाँ सामग्री प्रस्तुत की जाएगी वो हम सभी के लिए लाभकारी होगी। मैं एक बात और बताना चाहूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स को कि डॉक्टर सैनी बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, और जैसा आप सुनना चाहेंगे वो उस लेवल का आपको सुना सकते हैं। आपके पास मैं बताना भूल गया, एक आपका पेटेंट भी है, पोर्तुगीज गवर्नमेंट के गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड है, आपका एक पेटेंट इसी अपने एनवायरमेंटल साइंस को लेकर के है, और आपने इंटरनेशनल बुक्स भी लिखी हैं, बहुत सारा बड़ा बायोडाटा है, मैंने बहुत ब्रीफ आपको बताया। तो डॉक्टर साहब अपने पार्टिसिपेंट ये हैं जो मैंने आपको बताया, प्लीज गो ऑन। ठीक, तो सभी जुड़ने वाले छात्र छात्राओं को, मेरे सहकर्मी अध्यापकों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं जिससे कि डिस्कशन में थोड़ा जरा सा समय लग रहा है क्योंकि जी ये स्क्रीन शेयर नहीं करने दे रहा, शायद आप। आप ट्राई कीजिए, नहीं तो यहाँ से करा देंगे। और मैं अपने पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारा जो आज का जो लेक्चर है उसमें हम अभी बीच में थोड़े टाइम बाद आपको फीडबैक फॉर्म का लिंक भी शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में जो आपको फीडबैक फॉर्म का लिंक मिलेगा उसको अनिवार्य रूप से आप फिल करके हमें भेजिएगा, और आपके जो ई सर्टिफिकेट्स हैं वो हमारे पास जिस जिसका फीडबैक फॉर्म कंप्लीट भर के आ जाएगा उनके बन जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मिलते हैं लेकिन कार्यक्रम में उतने नहीं जुड़ पाते हैं, तो फिर वो हम सर्टिफिकेट्स देने की जो पॉलिसी है वो उन्हीं के लिए जो कार्यक्रम में जुड़ते हैं। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है, पुनः अनुरोध है कि प्लीज फिल योर फीडबैक फॉर्म जो हम अभी शेयर करने वाले हैं चैट बॉक्स में थोड़ी देर में, उसको जरूर भरिएगा, और आपके फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल भी है, क्योंकि आप उसमें जो डिटेल लिख के भेजते हैं हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ा सा हमारे लिए सुगमता रहती है, और हम आगे की कार्यक्रम अपने प्लान कर सकते हैं। तो नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सैनी जी, क्या आपका शेयर हो पा रहा है? डॉक्टर सैनी जी आपका पीपीटी शेयर हुआ क्या? मैं कोशिश कोशिश कर रहा हूं। एक बार और देखते हैं। नहीं, मुझे लगता है डॉक्टर साहब इसमें समस्या आएगी। आपको मैंने पीपीटी भेजा हुआ है, क्या आप वहां से शेयर कर सकते हैं? हाँ मैं यहाँ से कराता हूँ, मैं अपने आईसीटी टीम के राजदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज शेयर द पीपीटी फ्रॉम अवर एंड।
डॉक्टर साहब अभी हम इधर से हमारी तरफ से कराते हैं, प्लीज 1-2 मिनट में अभी होगा। जी राजदीप जी अपने एंड से प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बहरहाल हम अपनी बात शुरू करते हैं। इतना तक प्रेजेंटेशन शुरू होगा। ये प्रेजेंटेशन या ये लेक्चर इस प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा मोहताज नहीं है। तो बच्चों, हम आज लोग बात करेंगे कि बेस्ट लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। दरअसल बेस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है बच्चों, मतलब एक हैवी वर्ड है, और जो जनरल यूज़ का वर्ड है वो है गुड। ठीक है, तो बजाय बेस्ट लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस करेंगे। बेस्ट मतलब कि उससे बेस्ट और कुछ हो नहीं हो सकता, जबकि साइंस में हम सब जानते हैं कि कोई भी एक मेथड हो, कोई भी एक तरीका हो, तो वो अल्टीमेट नहीं हुआ करता। टाइम के साथ साथ लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। जैसे पहले हम साइकिल पे चला करते थे, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करके हमने मोटरसाइकिल बनाई और तमाम तरह की गाड़ियां। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इस पीपीटी का टाइटल बेस्ट ना रखते हुए गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस रखा है, जिससे हम लोग इस चीज की गुंजाइश रखें कि कल को इसमें भी और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये अल्टीमेट प्रैक्टिसेस नहीं है, इससे बेहतर भी प्रैक्टिसेस हो सकती है जो हम अपने तजुर्बों से सीखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, चलिए प्रेजेंटेशन भी शुरू हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं यहां से नेक्स्ट बोलता रहूंगा, आप नेक्स्ट कर दीजिएगा उधर से। ठीक, तो बच्चों, हम सभी ने लेबोरेटरी अपने जीवन में अब तक देख ली है। आप अगर यूजी पीजी के बच्चे हैं तो काफी अरसा आप लोगों को भी हो गया है लेबोरेटरी में काम करते हुए। मुझे भी काफी टाइम हो गया है लेबोरेटरी में काम करते हुए। जब हम छोटे होते हैं तो हम अलग अलग तरह की लेबोरेटरीज देखते हैं। उनमें से कुछ लेबोरेटरीज फिजिक्स की हो सकती हैं, केमिस्ट्री की हो सकती है, बायोलॉजी की होती है। जीवन में जब हमें पहली बार लेबोरेटरी जाने का मौका मिलता है तो मन में एक बड़ा उत्साह रहता है कि ये कुछ नई चीज हो रही है क्लासरूम से अलग। तो लेबोरेटरी जो है, अगर उसका मतलब देखा जाए तो लेबोरेटरी को कहा जाता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च हो, या टेस्टिंग हो, या एक्सपेरिमेंट हो, या किसी तरह की टीचिंग करी जा रही हो। तो लेबोरेटरी क्लासरूम से एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर रखती है, और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम में बच्चे हैं, टीचर है, पढ़ाने की सामग्री है, एंड दैट्स ऑल। लेकिन लेबोरेटरी में तमाम तरह के और अवयव रहते हैं, और कंपोनेंट रहते हैं, और वो कंपोनेंट एक विशेष तरह की आपसे केयर की डिमांड करते हैं, एक विशेष तरह का आपसे व्यवहार मांगते हैं, तो जिसकी हम लोगों को पहले जानकारी होना जरूरी है। ठीक है,
कई बार ये लेबोरेटरी हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोगों ने जो लेबोरेटरी देखी है वो कैसी लेबोरेटरी देखी है, टीचिंग लेबोरेटरी देखी है, जहाँ क्या होता है कि खासकर यूजी तक के बच्चों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को क्या कहा जाता है कि एक लेबोरेटरी इंचार्ज होंगे, कुछ लेबोरेटरी अटेंडेंट रहते हैं, रिगार्डलेस कि वो केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है या किसी और सब्जेक्ट की है। तो जो लैब इंचार्ज या लैब इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो आपको आके बताते हैं कि अच्छा बच्चों आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका आप लोगों को टेक्स्ट लिखवाया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव लिखवाया जाता है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है वो लिखवाया जाता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री की साधारण बात कर लें तो किसी दिन जो इंस्ट्रक्टर आते हैं वो आपसे कहेंगे कि ठीक है चलो आज हम टाइट्रेशन करेंगे और टाइट्रेशन में हम अननोन एसिड की कंसेंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो और वो आपको मेथड लिखवाएंगे, ग्लासवेयर कौन कौन से चाहिए वो लिखवाएंगे, प्रोसीजर लिखवाएंगे, फिर आप रीडिंग करें लिखेंगे उसकी, और पूरा प्रोसेस आपको अपने सामने आपके सामने करके दिखाएंगे, और फिर आप उसे उसी तरह से रिपीट करेंगे और जो रीडिंग्स आएंगे उन्हें आप लिखेंगे। अब ये है टीचिंग लेबोरेटरी। इसके अलावा जो दूसरी तरह की लेबोरेटरी होती है वो होती है रिसर्च लेबोरेटरी। रिसर्च लेबोरेटरी ऐसी लेबोरेटरी को बोलते हैं बच्चों जहां क्वालिफाइड आदमी, यानी कि कोई पीएचडी होल्डर या कोई उससे भी सीनियर आदमी किसी एक रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहा होगा, उसके लिए वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किताबें पढ़ता है और उस रस्तों को जो उसको सूझते हैं उनको बारी बारी से लैब में एक्सपेरिमेंट की हेल्प से करके देखता है। जो रिजल्ट उन्हें मिलते हैं उसका ब्यौरा वो इकट्ठा करता है और फिर जो उसका फाइंडिंग्स हैं, जो उसके रिजल्ट हैं, उन्हें तरतीब से लिखता है। इस तरह की लैब को हम लोग रिसर्च लैब बोलते हैं, ठीक है। कई बार लैब टेस्टिंग लैब भी होती है, जैसे हम लोग अपने जब बीमार पड़ जाते हैं या किसी और पर्पस के लिए हम लोगों को टेस्टिंग करानी होती है तो उस तरह की लैब्स में किसी तरह की रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ हम लोग सैंपल देते हैं, चाहे वो हमारा बॉडीली सैंपल हो या कोई दूसरा सैंपल। मान लीजिए किसी को अगर अपनी सॉइल की टेस्टिंग करानी है तो वो क्या करते हैं, वो लैब में ले जाते हैं और जिस तरह के टेस्ट हमें चाहिए होते हैं उस तरह के टेस्ट वो हमारे सैंपल पे करते हैं और उनका रिजल्ट हमें बता दिया करते हैं, ठीक है। ये सब तीनों तरह के काम होते लेबोरेटरी में ही है, ठीक है। तो अब क्या है कि लेबोरेटरी, मैंने बताया आपको कि लेबोरेटरी साधारण क्लास से एक अलग चीज है और वो अलग तरह की प्रैक्टिसेस मांगती है। प्रैक्टिसेस मतलब अलग अलग तरह के उसमें काम करने के कुछ एक गाइडलाइंस कह लीजिए आप या कुछ नियम कह लीजिए, वो इस तरह के हैं, उन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इन्हें बोलते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, या इन शॉर्ट इसे हम बोलते हैं GLP। तो GLP क्या है, ये आज की डेट में एक बहुत व्यापक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, खासकर उन सभी के लिए जिन्हें भविष्य में आगे चल के किसी ना किसी रूप में लेबोरेटरी में काम करना है, ठीक है। तो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि जिसमें किसी लेबोरेटरी के अंदर काम करने को प्लान किया जाता है, उसको कैसे हम मॉनिटर करें, ये इसकी गाइडलाइंस देती है, ठीक है। और उसके अंदर जो रिजल्ट मौजूद प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको किस तरह से संरक्षित करके एकदम सुनियोजित तरीके से उन्हें संभाल के रखा जा सकता है, ये सारी गाइडलाइंस इसके अंदर आती है। ज्यादातर इस विषय की जो उपयोगिता है वो हम देखते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है, जो एनवायरमेंटल साइंस की का फील्ड है या केमिस्ट्री का जो फील्ड है और इवन कुछ हद तक फिजिक्स के फील्ड में भी इस GLP यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये कहना चाहूँगा। और
हम सबको ये सीखना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। हम सभी लोग चाय पीते हैं ना, ठीक। तो हम जब कभी भी चाय बनाते हैं तो होता क्या है कि हर बार एक सी नहीं बनती है। बनती है या नहीं बनती? अलग हर बार अलग अलग तरह की बन जाती है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चाय हर बार हमसे नहीं बनती, बनाने वाले तो हम ही हैं। दूध भी वही है भगवान का दिया हुआ, पानी भी वही है, चाय पत्ती भी हमने अगर सेम कंपनी की यूज कर ली, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग इसलिए बन जाती है कि कई बार कोई चीज कम रह जाती है, कई बार कोई चीज ज्यादा पड़ जाती है। लेकिन अगर हम हर बार हर चीज बहुत केयरफुली नाप के, यानी कि हम पानी की मात्रा, दूध की मात्रा, चाय पत्ती, चीनी की मात्रा, वो बर्तन जिसमें हमने चाय बनाई है उस बर्तन को फिक्स रखें, और टेम्परेचर फिक्स रखें और प्लस ड्यूरेशन फिक्स रखें कि किस समय हमने चाय पत्ती डाली है किस समय, तो इस चीज की बहुत संभावना है कि चाय हर बार मोर और लेस एक सी बनेगी। मानते हो ये बात? यस सर। ठीक है। तो अब होता क्या है बच्चों कि लेबोरेटरी भी एक छोटी मोटी किचन से आप रिलेट कर सकते हो। आप कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने सिर्फ अपनी मेमोरी के आधार पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, तो लाजमी है कि बहुत सारे स्टेप आप या तो मिस कर जाओगे या उनको ओवरडू कर दोगे, जरूरत से ज्यादा कर दोगे। तो होगा क्या कि वो रिजल्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपके अल्टीमेट रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आएंगे। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट नहीं आएंगे। इन सब दिक्कतों से बचने का तरीका यही है कि हम कुछ प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारें, जैसे कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हमें सिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो एक तरह की नॉन क्लिनिकल स्टडीज हम लोग कंडक्ट करते हैं, जो केमिकल्स या उससे रिलेटेड सेफ्टी के बारे में भी बताती है, और ये भी अश्योर करती है कि जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उन सबको हम जब डाटा सबमिट करते हैं तो वो ट्रू हो। जनरली होता क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं कि किसी ने कहा कि मैगी में, मैगी खाते हैं ना सब बच्चे, या नहीं भी खाते होंगे तो जानते तो हैं ही मैगी के बारे में। किसी ने कहा जानते मैगी में लेड है, लेड एक बहुत हानिकारक हैं। यस सर। मेटल है, ठीक है। किसी ने कहा कि भाई मैगी में लेड है, तो मैगी बनाने वाली ने उसे एक लैब में भेज दिया टेस्टिंग के लिए कि चलो भाई टेस्ट करो। अब अगर वो लैब टेस्ट करती है और कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करती है कि इस मैगी के अंदर इतना लेड है, तो गवर्नमेंट उस पर तब विश्वास करेगी अगर उस लैब के अंदर GLP अप्लाइड है। GLP मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस अप्लाई है। मेरी बात आई समझ में? अदरवाइज ऐसी कोई भी लेबोरेटरी जिसके अंदर GLP फॉलो नहीं होती, यानी लेबोरेटरी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होती, तो अथॉरिटीज उसके द्वारा सबमिट किए हुए डाटा को ट्रू नहीं मानती आज की डेट में, ठीक है। सो ये पर्पस है, ये इंपॉर्टेंस है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ये GLP या गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस अचानक से अपने आप ही आ गई। हम सब जानते हैं कि लेबोरेटरी कोई पुराने जमाने से चली हुई चीज नहीं है बच्चों। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो रिसर्च लैब्स की जरूरत कब पड़ी? धीरे धीरे इंसान ने जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो एक ऐसा दौर आया, ये मैं बात कर रहा हूं 1800 समथिंग की, कि जब दुनिया में चारों तरफ चीजें मशीनों से बनने लगी बच्चों। जब चीजें मशीनें से बनने लगी तो वो सब चीजें जो पहले इंसान हाथ से बनाया करता था, तो नए नए कारखाने खुलने लगे। अब
किसी भी चीज को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उसकी कमियां पता चलती हैं, चलती हैं या नहीं? हम जब पेंसिल पेंसिल से लिखते हैं तो पता चलता है कि पेंसिल से लिखने की एक दिक्कत है कि पेंसिल से बहुत ब्राइट नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, उसे मिटा भी सकता है कोई आदमी जन, तो हमने उसका एक इम्प्रूवमेंट देखा, उसमें एक इम्प्रूवमेंट किया, रोशनाई वाले पेन से लिखने लगे, रोशनाई वाले पेन में कुछ कमी लगी हमें तो हमने बॉल पेन यूज करने लगे। मेरी बात आ रही समझ में? तो हर एक नई चीज बनने के लिए एक पुरानी चीज की कमियों को एड्रेस किया जाता है, यानी एक पुरान किसी भी चीज को अगर आप आज की डेट में देखें तो वो पुराने जमाने में किसी और तरह की थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, आज की डेट में हमें नई चीज मिलती है। इस फोन की अगर हम बात कर लें तो पहले घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, उससे चलते चलते आज हम यहाँ स्मार्टफोन पे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ है, हुआ क्या है, होता क्या है बच्चों, किसी भी पुरानी चीज पर हम जब चलते रहते हैं तो हमें उसकी कमियां पता चलती हैं, जब कमियां पता चलती हैं तो हम उन्हें दूर करने की कोशिश करके उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस दरअसल इन लेबोरेटरीज में होता है। इन लेबोरेटरीज में, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि रिसर्च लेबोरेटरी क्या करती है, एक प्रॉब्लम देखती है, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट सोल्यूशन ढूंढती है। तो किसी ने लैंडलाइन फोन देखा, उसने कहा अच्छा इसके साथ तो तार की दिक्कत है, तो ऐसा कैसे करें कि बिना तार के बात कर सकें, उसको एक प्रॉब्लम दिखाई दी, उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह साइंस के हर फील्ड में कुछ ना कुछ टेक्निक से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं और उनका सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो वो लैब्स के थ्रू मिलता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के थ्रू मिलता है, और लैब हमें बताती है, रिसर्च लैब हमें बताती है कि अच्छा ये एक और पॉसिबिलिटी है, इसको ट्राई करो, जो चीज पॉसिबल लगती है फिर उसे स्केल अप करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। दवाइयों के केस में भी ऐसा है, कोई नई बीमारी आती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले से हम लोग देख रहे हैं कि कोविड की प्रॉब्लम दिख रही है, एक नया तरह का चैलेंज आया लोगों के सामने जो पहले नहीं था, चैलेंज आया, प्रॉब्लम आई, लोग रिसर्च लैब में गए, वहां उस पर रिसर्च की कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, दिन रात हजारों लाखों साइंटिस्टों ने काम किया, एक सोल्यूशन निकाल के लाए, कहां से, रिसर्च लेबोरेटरी से। तो रिसर्च लेबोरेटरी एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी चीज है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है, ठीक है, और ये दुनिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो हुआ क्या बच्चों कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की जरूरत क्यों पड़ी, आज की डेट में हम क्यों बात कर रहे हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की, वो इसलिए कि इसके पीछे एक छोटा सा कारण भी है, ठीक। पहले ये कोई सुनियोजित चीज नहीं थी, सुनियोजित मतलब कोई ऐसे प्रिस्क्राइब चीज नहीं थी, फिक्स चीज की भाई गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस ये होती है, सब विश्वास पे काम चल रहा था, जैसे हम लोग विश्वास पे काम कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों के, कि बच्चे जो हैं वो उन्हें एग्जाम दिया और वो वाकई में बिना कहीं इधर उधर से देखे जो है वो आंसर लिख रहे होंगे, इस तरह विश्वास पे काम चल रहा था कि कोई भी नई चीज अगर बाजार में आ रही है तो वो काम करती होगी जो वो कह के बेची जा रही है। तो न्यूजीलैंड में 1972 में जीएलपी को पहले यूज किया गया, मतलब उन्होंने अपने यहाँ कहा कि चलो ठीक है, जितनी भी रिसर्च लेबोरेटरी रिसर्च कर रही हैं उनको एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ गाइडलाइंस माननी होंगी हमारी, तब हम उनके विश्वास करेंगे, अदरवाइज तब तक, उससे पहले तक क्या हो रहा था कि कोई भी लेबोरेटरी या कोई भी रिसर्च करने वाला आदमी आके ये कह रहा था कि ये देखो जी ये जो पेन है ये पेन पुराने पेन से बहुत बढ़िया है, थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, और वो दो चार इसके प्रूफ दिखा देता था और लोग क्या कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो कैसे चल रहा था, विश्वास पे काम चल रहा था, बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस नहीं थे कि भाई किस तरह से चीजों को, सिर्फ विश्वास पे ही काम चल रहा था, तो इसमें धोखा होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है जब कंपटीशन होने लगता है, बहुत सारी चीजें लोग बाजार में लाना चाहते होते हैं तो उसमें कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं। तो हुआ ऐसा कि 1972 के आसपास ही यूएस ने देखा कि ये तब की बात है जब सब लोग अपने हिसाब से लैब रन किया करते थे, बस लैब बनाई और उसमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट ले जाके बता दिया। तो यूएस में इसी दौरान देखा गया कि बहुत सारी
लैब्स के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारी लैब्स के अंदर, खासकर टॉक्सिकोलॉजिकल लैब्स के अंदर बहुत तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो जितने भी लोग थोड़ा बहुत साइंस या अखबार वगैरह पढ़ते हैं, टीवी, तो वो जानते होंगे कि अभी कुछ टाइम पहले जब हमारी कोवैक्सीन बनी थी, तो अमेरिका की एक एजेंसी है जिसे बोलते हैं FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसने तुरंत परमिशन नहीं दी थी। आई डोंट नो अभी भी दी है या नहीं दी है, लेकिन वो एक तरह की एजेंसी है जो ड्रग्स या फूड रिलेटेड आइटम्स को ओके करती है। अगर वो ओके करते हैं तो वो बाजार में आ सकती है, अदरवाइज वो नहीं आ सकती। तो FDA जो अमेरिका की थी, उसने देखा कि बहुत सारे टॉक्सिकोलॉजिकल लैब्स जो होते हैं उनके रिजल्ट्स फ्रॉड थे। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजिकल लैब्स क्या होती हैं बच्चों? कि खाने या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस से रिलेटेड जब भी कोई नई चीज बनती है तो उस पर बहुत सारे टेस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान ने या किसी और चीज आदमी ने वो खानी है। तो वो क्या करते हैं कि कहीं ये किसी को नुकसान तो नहीं दे रही, कहीं इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं है, कहीं इससे शरीर के किसी और पार्ट पे कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। तो इस तरह के टेस्ट वो लेबोरेटरी में करते थे और फिर उसकी रिपोर्ट जमा किया करते थे FDA को कि जी देखिए ये हमने दवाई बनाई है, इस दवाई से हम लोग ये बीमारी ठीक कर देंगे और इससे ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या अगर है भी तो वो उसके रिजल्ट दिया करते थे। तो अब किसी भी आदमी को, अगर किसी भी कंपनी को कोई अपनी नई चीज बेचनी है, तो वो पहले उन लैब्स में टेस्ट कराता था, उस टेस्ट की रिपोर्ट FDA को जमा किया करता था और फिर FDA उस पर ओके करा करती थी। तो जैसे मैंने बताया, पुराने जमाने में ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थी GLP, और भरोसे पे ही मोरलेस काम चल रहा था। लेकिन 1972 या उसके बाद एक दो सालों में ऐसा देखा गया कि बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड कर रही हैं, और उस फ्रॉड का जब पर्दाफाश हुआ तो अमेरिका में सबसे पहले GLP की जरूरत महसूस की गई। उन्होंने देखा कि इन लेबोरेटरी पे शिकंजा कसना पड़ेगा, नहीं तो ये मनमाने तरीके से रिजल्ट्स को अपना जो है वो प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो 1978 में उन्होंने एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस रेगुलेशन करके अपने यहाँ एक एक्ट लाए वो, और उन्होंने ये मैंडेटरी करा कि सब रिसर्च लेबोरेटरीज को GLP को फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स थे जो सबको अपनाने पड़ते थे। उससे क्या होता है कि बाध्यता हो जाती है कि आपको अगर कोई टेस्ट करना है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसकी ये कंडीशंस होनी चाहिए, ये डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, जो हैंड रेज कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज कर रहे हैं तो हम आखिरी में क्वेश्चन ऐसा रखेंगे, ठीक है, और तब आप सब अपने बारी बारी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहरहाल तो इस तरह से अमेरिका में एक गाइडलाइंस बन गई। अच्छा, अब इसमें क्या है कि बाद में ऑर्गेनाइजेशन एक बनी जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने GLP प्रिंसिपल को एक इंटरनेशनल रूप दिया। उसने कहा ठीक है, क्योंकि फिर क्या हुआ कि चीजें लोग सिर्फ अपने देश में ही नहीं बेचते थे, दूसरे देशों में भी बेची जाती थी, तो वहां भी ये गाइडलाइंस फॉलो होती रहे, इसलिए OECD आज की डेट में GLP को सब जगह फोर्स करता है। तो हिंदुस्तान में भी GLP अप्लाइड है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 1970s के आसपास इस तरह की शुरुआत हुई कि भाई लेबोरेटरीज को कुछ ना कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए, चाहे कैसी भी लेबोरेटरी हो। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक चीज और हुई कि GLP को, GLP कह रहा हूं, FDA को 70s में पता चला कि बहुत सारी लैब्स ऐसी हैं जिनमें पुअर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, मतलब लापरवाही से काम हो रहा है और कोई तरीका नहीं है फिक्स कि कोई लैब किसी तरह काम कर रही है, मनचाहे ढंग से काम कर रही है, ना तो डाटा रखती है ना स्टोर करती है। और उन्होंने क्या किया, FDA ने अपने स्तर से लगभग 40 लैब्स में, आप कह सकते हो, छापा मारा या उनकी तफ्तीश शुरू करी, और उससे एक बहुत फेमस केस एक निकला। नेक्स्ट स्लाइड।
जो आज भी सब लोग याद याद करते हैं, कि उसमें उन्होंने पाया कि बहुत सारे लैब्स के अंदर कई तरह के फ्रॉड हो रहे थे। फ्रॉड किस तरह के? जैसे कि इक्विपमेंट उन्होंने कैलिब्रेट ही नहीं कर रखे थे, यानी जब लिया इंस्ट्रूमेंट उसके बाद से बस आंख बंद करके उस पर काम कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ही सही नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसी को यूज करे जा रहे थे। ठीक है, और जैसे रिजल्ट आ रहे थे वैसे रिजल्ट न लिख के इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट रिजल्ट्स को लिखा जा रहा था। तीसरा, कि कहीं बार किसी तरह की टेस्टिंग की फैसिलिटी उस पर्टिकुलर लैब में मौजूद नहीं है, और फिर भी वो लोग उस टेस्ट को दिखा रहे थे कि हमने ये टेस्ट किया, जबकि वो टेस्ट मौजूद नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड। तो उन दिनों एक बहुत फेमस केस जो है वो पकड़ा गया, और वो जो पकड़ा गया उसका वो केस बहुत अखबार में बहुत दिनों तक आया वहां पे। आप सब लोग जानते होंगे कि नेक्स्ट स्लाइड, आप सब लोगों ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम सुना होगा। जिसने नहीं सुना होगा तो मैं ये बता दूं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की चीजें बनाती है। घर में यूज होने वाली बहुत सारी चीजें जो आपके घरों में भी होंगी वो आप देखेंगे अगर, तो वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बनाई हुई है। ठीक है, तो ये ना सिर्फ कॉस्मेटिक चीजें बल्कि बहुत सारे घर में और जैसे सर्फ या डिटर्जेंट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी बनाती है। ठीक है, शैम्पू, क्रीम्स, ये सब चीजें बनाती है। तो उन दिनों प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपनी जो टेस्टिंग कराया करती थी वो एक आईबीटी लैब के नाम से एक लैब थी, उसमें कराया करती थी। तो ये एक आईबीटी लैब एक इंडिपेंडेंट लैब थी जो कंपनियों के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग किया करती थी। आईबीटी का मतलब था इंटरनेशनल बायोलॉजिकल टेस्ट लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये उनसे पैसे लेके उनके टेस्ट किया करती थी और रिजल्ट दिया करती थी। तो अब हुआ क्या, डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से शेयरिंग में कुछ बच्चों सबको शेयरिंग स्लाइड शेयर दिखाई दे रही है? नो सर। यस सर। पूरी देखिए। ओके, नो सर। अभी दिखाई देगी, उसको पिन कीजिए भावतोष जी। दिख रहा है सर। ओके, सो हुआ क्या कि जब इस लैब पे जब इस लैब पर छापा पड़ा, या आप कह सकते हो इसकी तफ्तीश की गई, तो देखा कि ये कंपनी ने ना एक कोई लोशन बनाया था। जैसे लोशन होता है ना, मतलब चेहरे पे लगाने का कॉस्मेटिक का, इस तरह का एक लोशन लोशन बनाया था इन्होंने, और वो इन्होंने आईबीटी को टेस्ट करने के लिए दिया। आईबीटी ने उस पर टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया तो उन्होंने जो टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट किए वो किए चूहे पे। अक्सर हम लोग माइस यूज करते हैं फॉर डिफरेंट साइंटिफिक रीजन, चूहा यूज करते हैं। तो चूहे पे वो बहुत सारे टेस्ट हुए। जब चूहे पे टेस्ट हुए तो उन्होंने देखा कि वो चूहे बाद में उनको उनमें से कुछ सैंपल्स को उनमें से कुछ चूहों को कैंसर हो गया। तो बजाय इस रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करने के, आईबीटी लैब वालों ने क्या किया कि उन चूहों को फेंक दिया और रिपोर्ट दे दी कि प्रोडक्ट ओके है। गलत किया ना? ठीक यस है, सर। यस सर। ये बात एफडीए ने पकड़ ली। जब एफडीए ने पकड़ ली तब तक देर हो चुकी थी, वो प्रोडक्ट अप्रूव भी हो गया था, प्रोडक्शन में भी चला गया था और सेल्स में भी पहुंच गया था। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो
तो न्यूज़पेपर ने खूब कवर किया कि भाई देखो जो केमिस्ट्री लैब्स हैं उसमें किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तब लोग एकदम से सब चौकन्ने हुए। उन्होंने कहा कि तब तक किसी का ध्यान ही नहीं था कि भाई क्या प्रोसेस होता है, FDA कैसे अप्रूव करती है, लैब में क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, इस सब की कोई डिटेल नहीं थी। तो जब पूरा इंस्पेक्शन हो गया तो उसके बाद IBT के 4 लीड साइंटिस्टों को जेल हो गई। न सिर्फ जेल हुई उन्हें, बल्कि अब FDA को लग गया कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सैकड़ों कंपनियां हैं, वो सैकड़ों कंपनियां अलग अलग लैब्स में अपने टेस्ट कराती हैं। FDA कहाँ कहाँ जाके किस किस के यहाँ छापा मारेगी और किस किस को चेक करेगी। तो कोई ना कोई हम लोगों को अपना एक कंट्रोल इनके ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो GLP इसलिए जरूरी हो गया, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस सबसे साइन करवा लिए गए कि अब आपको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके अडॉप्शन के बिना, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बिना हम लोग आपको किसी को भी लेबोरेटरी को हम अलाउ नहीं करेंगे रिसर्च, ना हम आपके रिजल्ट को रिजल्ट मानेंगे। तो ये मेक श्योर करता है कि जितना भी डाटा, अगर किसी कोई GLP एडॉप्टेड लैब, स्लाइड चोरी हो रही है, सॉरी स्लाइड चोरी स्लाइड हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रही। हाँ, अभी भी नहीं हो रही बच्चों? डॉक्टर भतोष जी, उसको प्रेजेंटेशन कोड नहीं और तब तक स्टूडेंट हमारे जो ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना, उसको पिन कीजिए, तो आपको पिन मोड में दिख जाएगा उसको। ये आपको पीपीटी नहीं दिख रहा था, हमें यहां से दिख रहा था। नहीं, आपने प्रेजेंटेशन मोड नहीं कर रखा, उसको अपनी फोटो क्लियर पे ओके, आपके जैसे इंडिविजुअल जैसा आ रहा है। अभी अभी करते हैं, अभी करते हैं, 1 सेकंड। अब आ रहा है क्या? जी, नो सर, यस सर आ रहा है। नो आएगा आएगा आपको। जिसको नहीं दिख रहा होगा उनके यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक होगा, तो जैसे ही कनेक्शन पावर में आएगा तो आपको दिखेगा जरूर। डॉक्टर अच्छा, इसे साहब, पिछली स्लाइड पे आ जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर सैनी जी, आपको दिख रहा है? ठीक हाँ, दिख रहा, दिख सबको दिख रहा है। ठीक जी ठीक ओके ठीक ठीक दिख रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है। तो GLP क्या है कि ये इंश्योर करता है कि भाई गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस ये इंश्योर करती हैं कि जितना भी डाटा वो लेबोरेटरी दे रही है, प्रोड्यूस कर रही है, वो रिलायबल है और वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और प्लस वो ये भी इंश्योर करती हैं कि जब भी कभी भी कोई आदमी चाहे तो वो उन रिजल्ट्स को कैसे ऑब्टेन किया गया वो पूरी जानकारी उसमें से निकाल सके। ठीक है, और एक तरह से ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को भी प्रमोट करती है। नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर साहब आप बैठे रहिए वहीं। तो 4 तरह के बेसिक कंपोनेंट GLP में हम देखते हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे कि किसी भी लेबोरेटरी के अंदर 4 क्या मेजर चीजें होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, जिससे कि वो एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस उनकी मानी जाए। राइट, देखने में ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन ये वो असेंशियल चीजें हैं जिनके बिना अगर लैब को किसी तरह का कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लैब इसके बिना मान्य नहीं है। ठीक है, तो पहली है पर्सनल, दूसरी डॉक्यूमेंट्स है, तीसरी किस तरह की फैसिलिटी है, और चौथा किस तरह के टेस्ट और कंट्रोल है। हम क्विकली इनके बारे में देखते हैं, फिर कुछ और बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो पर्सनल की जैसे बात है, यानी कि उन लैब में काम करने वाले आदमी, पहला तो किसी भी लेबोरेटरी में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि उसमें काम करने वाले आदमी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। काम की प्रकृति के हिसाब से उस काम करने वाले की क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए। हम किसी कम क्वालिफाइड आदमी को अगर रिसर्च लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने या रिसर्च करने में इंगेज कर लेंगे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो आप लोग भी समझ सकते हो, क्योंकि ना तो उसको इतनी व्यापक जानकारी होगी,
ना वो अच्छे गलत या बुरे या रिलायबल डाटा या अनरिलायबल डाटा में भेद नहीं कर सकता, तो इससे समस्या उत्पन्न होगी। हर एक लैब में एक तरह का स्पॉन्सर होना चाहिए। स्पॉन्सर उसको बोलते हैं बच्चों कि जो जिसके अंडर आप लोग काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूजी पीजी लेबोरेटरीज की बात करें, तो वहां जो लैब इंस्ट्रक्टर है या जो लैब इंचार्ज है उस समय पे, उसको स्पॉन्सर बोलेंगे। ठीक है, वो बताएगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है। और जो फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि हम किस अलमारी में हाथ लगा सकते हैं, किस अलमारी को हमें टच नहीं करना है। ठीक इसी तरह कि साइंटिस्ट को भी पता होना चाहिए कि उन्हें किसी चीज को कहां तक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ठीक ठीक इसी तरह अगर बहुत सारी लैब्स किसी बिल्डिंग में है, तो वहां का एक डायरेक्टर होना चाहिए जो उन सब की जिम्मेदारी उठाए, जो उन सब लैब्स की जिम्मेदारी उठाए, उनके अंदर जीएलपी फॉलो हो रहा है वो इंश्योर कराए। राइट, ये एक स्टडी डायरेक्टर का काम है। ठीक इसी तरह जीएलपी में ये भी कहा गया है कि हर लैब के अंदर, ये यूजी पे भी थोड़ा बहुत अप्लाई होता है, लेकिन मेनली रिसर्च लेबोरेटरीज पे अप्लाई होता है, कि आपके यहाँ एक क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट होनी चाहिए। यानी आप जो रिजल्ट भेज रहे हो, फाइनली उस पे जो साइन करेंगे, उससे पहले एक क्यूसी चेक जिसे हम बोलते हैं, वो एक इंटरनल कंट्रोल का फंक्शन होता है। ठीक है, वो सबके यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा अच्छा बच्चों, मैंने बताया कि लेबोरेटरीज में इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी लेबोरेटरी की अगर हम बात करें, तो उनके अंदर इक्विपमेंट होते ही होते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस को अगर हम छोड़ दें, जहां हम ग्लासवेयर से मेनली काम करते हैं, उसके बाद सभी लेबोरेटरीज में इंस्ट्रूमेंट्स उनका एक अभिन्न हिस्सा है। इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या होता है? बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का काम होता है कि आप अगर कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके टेस्ट को वो रिजल्ट के फॉर्म में आपको देता है। जैसे मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक थर्मामीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या करता है? वो आपको टेम्परेचर की रीडिंग देगा। एक तराजू या बैलेंस, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या करेगा? वो आपको मास की रीडिंग देगा। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लाखों करोड़ों तक के इंस्ट्रूमेंट्स पे हम चले जाते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो इंस्ट्रूमेंट की एक दिक्कत है जन्मजात, वो ये है कि जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, वो सही रीडिंग देना बंद कर देता है। मतलब वो डेविएट हो जाता है। चाहे तो कह लीजिए कि वो घिस जाता है, चाहे कह लीजिए कि उसके अंदर किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कमी आ जाती है, तो वो एरर देने लगता है। ठीक, अगर कभी आपने देखा होगा, तो तराजू के साथ ये अक्सर हम देखते हैं कि भाई अगर तराजू है, तो बहुत दिनों तक अगर कोई उसे ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे, तो पता चलता है कि वो जितना वजन है उसको एग्जैक्ट नहीं नाप रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस इंस्ट्रूमेंट को हम फेंक तो नहीं सकते कि भाई फेंक के दोबारा ले लो। तो हम क्या करते हैं? हम उसे कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करना मतलब कि हम उसे समझाते हैं कि भाई हम उसे ठीक करते हैं। ठीक मतलब कि उसके अंदर एक फीचर रहता है जिससे कि हमें ये पता चलता है, जिससे हम उसे करेक्ट रीडिंग देना वो कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे बैलेंस, देखा आपने, एक बैलेंस लिया, मान लीजिए मैंने एक माइक्रो बैलेंस लिया। माइक्रो बैलेंस बच्चों उसे बोलते हैं जो आप लोगों ने सुनार की दुकान पे देखा होगा। ठीक है, वो बहुत कम वजन को भी तोल सकता है। तो कायदे में, तो जब उस पर कुछ ना रखा हो, जैसा ये नीचे वाली फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो बैलेंस। ठीक है, तो कायदे में तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब इसके ऊपर कोई भी वजन ना रखा हो, तो इसे जीरो जीरो दिखाना चाहिए। पर जब हम बैलेंस को यूज करते करते हमें 1-2 साल हो गए, और हमने देखा कि अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया, तो ये अनकैलिब्रेटेड हो जाता है। यानी अभी कुछ भी नहीं रखा है और वो दिखा रहा है कि उसके ऊपर 20 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम सामान रखा है, जबकि कुछ भी नहीं है। तो
हम जो भी सामान इसमें तोलेंगे उसका वजन ये एक्स्ट्रा बताएगा हमें, समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, सर स्लाइड शो नहीं हो रही है, अभी कौन सी स्लाइड दिखाई दे रही है बच्चों तुम्हें? सर सोई नहीं हो रही है, सर हो रही है, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट सो ही नहीं हो नो रहा था सर। साइड्स विजिबल भी शो इट इज नहीं हो रही है विजिबल, सर। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा, तुम सर मुझे भी नहीं, जहां सारे पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वहां पे जो स्लाइड अगर किसी में दिखाई दे रही है ना, उसको पिन कर लो तो आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। डॉक्टर भावतोष साय वाली में है सर। ठीक है, यू आर विजिबल हम सर। क्या करते The slide is also visible. If you are not viewing the slide, please switch off and switch on. यहाँ तो या तो आप एक बार जाए बाहर क्विट कीजिए, फिर से भी ज्वाइन कीजिए, तो इट विल शो यू प्रॉपर दिस स्लाइड्स। तो ठीक, इसी तरह हम लोग ओके इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स में आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में ये फीचर रहता है कि उनमें प्रोग्राम रहता है, उस प्रोग्राम को आप रन कर दीजिए, इंस्ट्रूमेंट आपका कैलिब्रेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह जो रिएजेंट या मटेरियल लेबोरेटरी में यूज हो रहे हैं, उन मटेरियल्स या रिएजेंट्स को हम लोगों को सर्टिफिकेशन के साथ लेना चाहिए। होता क्या है बच्चों कि किसी भी लेबोरेटरी में इक्विपमेंट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी चीजें यूज होती हैं जिन्हें हम केमिकल या मटेरियल कह सकते हैं, हम इन्हें बाजार से खरीदते हैं। केमिकल्स के केस में ऐसा है कि केमिकल्स एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। ठीक है, केमिकल्स अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, अलग अलग प्यूरिटी के आते हैं। तो किस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कौन सा केमिकल चाहिए, किस प्योरिटी का चाहिए, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेशन हमें लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम देखो कि अगर किसी ने कहा, जैसे कई सारे ग्रेड होते हैं केमिकल्स के, एनालिटिकल ग्रेड, एचपीएलसी ग्रेड, लैब ग्रेड, सिंथेसिस ग्रेड, तो ये ग्रेड बताता है कि उसकी प्योरिटी कितनी है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमें कितनी प्योरिटी का सामान चाहिए, राइट? जब भी हम कोई बहुत प्योरिटी का सामान लेते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो उसी हिसाब से जिस चीज के लिए जितनी प्योरिटी का केमिकल चाहिए हो उतना हमें लेना चाहिए, और एटलीस्ट हमें जब भी किसी केमिकल को यूज कर रहे हैं तो उसकी प्योरिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि प्योर सोना ज्यादा महंगा होता है या थोड़ा सा उसमें कॉपर की इम्प्योरिटी मिली रहे वो ज्यादा महंगा होता है, बताओ? जिसमें मिली रहती है वो वाला महंगा रहता जिसमें ज्यादा, की इंप्योरिटी मिली प्योर रहती है। सोना बिकता ही नहीं है सर, प्योर क्योंकि सोना बिकता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्योर सोना बिकता ना हो, लेकिन लेबोरेटरीज में हर तरह के केमिकल्स की, हर तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वहां प्योर सोने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी को गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं या किसी को गोल्ड की फिल्म लगानी है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो वहां उसके लिए गोल्ड, प्योर गोल्ड मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो बहुत प्योरिटी का हम लेने चल रहे हैं 99.999, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, ठीक ऐसा ही केमिकल्स के केस में भी है। तो इंस्ट्रूमेंट्स या केमिकल्स जो हम लोग कोई सा भी ले रहे हैं तो उसकी प्योरिटी हमें पता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा ये, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी एक्सपायरी डेट आती है, तो इसलिए अच्छा है कि जब भी आप कोई बॉटल खोलें तो उस पर लिख दें कि भाई ये किस दिन खुली थी। ठीक है, जिससे यूज करने वाले को पता चल जाए कि भाई ये कितने दिनों तक वो यूज कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो खुली हुई बहुत सालों से रखी हो और आप अभी भी उसमें काम करे जा रहे हो और आपको रिजल्ट खराब मिल रहे हो और आप खुद परेशान हो कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरी बात आई समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इन सब चीजों को, इंस्ट्रूमेंट हो गए या किसी भी तरह का केमिकल्स को यूज करना हो गया, इन सब को स्ट्रीमलाइन करने का एक बहुत सरल तरीका ये है
कि किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर बना दिया जाए। जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए खाने की रेसिपी लिखते हैं ना, या रेसिपी पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है कि 250 ग्राम चावल लिए, उसको 400 मिलीलीटर पानी में डुबोया, इतने घंटे तक डुबोया, ठीक है, और एक एक डिटेल लिखी रहती है ना। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए भी इसी तरह की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्यों जरूरी है ये? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि मैगी में किसी को लेड चेक करना है, ठीक है। अब उसके पास मान लो मैं ही हूं, मैगी का सैंपल आ गया मेरे पास, कहा जी जरा इसमें चेक करके बताओ डॉक्टर साहब इसके अंदर कितनी लेड है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे अपने हिसाब से ही मन चाहे तरीके से उसके अंदर से लेड निकालना शुरू कर दूंगा, ना उसके अंदर इतना लेड है कि मैं चिमटी से पकड़ के निकाल लूंगा, ठीक है। उसका कोई ना कोई एक मेथड होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ढूंढूंगा लिटरेचर में या इंटरनेट पे उसका, कि फूड आइटम में लेड कैसे देखा जाता है। तो जब मैं ढूंढने जाऊंगा बच्चों, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो ये बताते हैं कि फूड में लेड कैसे देखना है, ठीक है। तो उसमें ठीक ऐसे जैसे खाना बनाने की रेसिपी होती है ना, उसमें A to Z डिटेल लिखी होगी कि इतने ग्राम फूड आइटम लो, इसको इतने मिलीलीटर एसिड में डिसॉल्व करो, इतने टेम्परेचर पे पकाओ, फिर उसके बाद उसे फिल्टर करो, उसके बाद मेकअप करो, इस इंस्ट्रूमेंट से इस तरह से एनालाइज करो, समझ रहे मेरी बात। तो उसको हम बोलते हैं SOP। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, मतलब क्यों ना अपने आप ही सब कुछ कर लो अपनी मर्जी से, टाइम भी बचेगा और सब कुछ। इसका फायदा यह है बच्चों कि मैं यहां हिंदुस्तान देहरादून में बैठ के अगर कोई एनालिसिस कर रहा हूं और मेरा कोई रिजल्ट आया है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि दूर देश कोई बैठा किसी शहर में कोई आदमी उस एक्सपेरिमेंट को करे और मैं उसे भेजूं, तो वो क्रॉस चेक कर सके मेरा रिजल्ट। क्रॉस चेक कब कर सकता है, जब मैंने पूरी एक डिटेल फॉलो करी है और मैं वो डिटेल भी उसे भेजता हूं। मैंने कहा लो भाई तुम भी टेस्ट कर लो, अगर वो भी उसी स्टेप को फॉलो करेगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए जो मेरा रिजल्ट आया है। ये ठीक इसी तरह है कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाते हो, ठीक है, और तुम चाहते हो कि दूर कहीं बैठा तुम्हारा दोस्त भी उसी चाय का स्वाद ले सके, ठीक वैसी। तो एक ही तरीका है कि तुम उसे पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक प्रोसीजर, एक एक स्टेप लिख के भेज दो, SOP भेज दो। तो जब वो उस SOP के अकॉर्डिंग चाय बनाएगा तो बहुत संभावना है कि एग्जैक्ट तुम्हारी चाय जैसा ही टेस्ट उसका है। तो कहने का मतलब कि रिजल्ट्स में वेरिएशन आपके प्रोसीजर की वजह से ना हो जाए, इसलिए हम SOP को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च लेबोरेटरी के लिए है, वो है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर डाटा इवेल्युएशन। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर डाटा इवेल्युएशन, ये नाम सुनने में भारी भरकम लगता है, पर एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूं। मान लो तुम लोग बाजार जा रहे हो, तुम्हें बहुत जरूरी फोन किसी आदमी को करना है 4 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट 4 बजे फोन करना है। अब तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, तुम्हारे फोन में भी घड़ी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम दाएं बाएं वालों से पूछते हैं, भाई ये बता दो भाई साहब टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फोन है और जिसने फोन करने के लिए कहा था उसने कहा था .4.00 पे फोन करना, उससे पहले नहीं उसके बाद, ठीक। तो ऐसे में आप उस एक आदमी के कहने पर चांस नहीं ले सकते, आप क्या करोगे, 2-4 से और पूछोगे कि नहीं पूछोगे, भाई तुम भी बता दो टाइम कितना है। तो आप क्या करते हो, 4-5 जनों से पूछ के फिर अंदाजा लगाते हो, अच्छा मतलब लगभग 4 बज गए, आप एक पे विश्वास नहीं करते ना, ठीक है, आप थोड़ा सा उसका मीन सा ले लेते हो, एवरेज सा ले लेते हो कि अच्छा मतलब ज्यादातर जने 4 बता रहे हैं तो इसका मतलब 4 बज गए, भाई फोन कर लो। एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह है,
अगर किसी को लगे कि मुझे बुखार लग रहा है लेकिन थर्मामीटर बुखार नहीं बता रहा है, तो वो 2 या 3 बार चेक करेगा कि भाई बुखार है कि नहीं। यानी जितना हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट निकालते हैं, उतनी ही उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। हम सामान लेते हुए भी कई बार लाला की दुकान से हमें लगता है कि यार इसने कम दिया, हम उसे दोबारा तुलवा लेते हैं ना, ठीक है। तो यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन हम, या कई बार डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, या बहुत बार उसे रन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उससे रिलायबिलिटी ऑफ योर एक्सपेरिमेंट डाटा बढ़ जाती है। अब दिक्कत क्या है कि जब कभी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट को हम 5, 6, 10 बार कर लेते हैं, तो हमारे पास तो 10 गुना डाटा हो गया, रिजल्ट देना हमें एक ही। तो उस इतने सारे डाटा में से काम के डाटा निकालने के मेथड को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर डाटा इवेल्युएशन। हम इतने सारे डाटा में से काम के डाटा को निकालने का जो प्रोसेस है वो हर लेबोरेटरी में होना चाहिए। यानी जो करने वाले लोग हैं उन्हें डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है, क्यू टेस्ट लगाना है, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाना है, या मीन लेना है, एवरेज लेना है, या किस तरह से अपने डाटा में से काम का डाटा निकालना है। तो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, किसी को वैल्यू तो चाहिए एक, और आपने एक ही बार एक्सपेरिमेंट करा और उसको दे दिया। जरूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो। जितना ज्यादा हम रिपीट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को तो उतना रिलायबल डाटा होता है। नेक्स्ट। अच्छा, अक्सर एनालिसिस के लिए किसी भी लैब में हम लोगों को स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड्स एक ऐसे केमिकल को बोलते हैं जो बाजार में बिकते हैं इस नाम से कि इस केमिकल के अंदर फला चीज इतनी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में है। स्टैंडर्ड मतलब कि इनके अंदर जो कंसंट्रेशन या कंपोनेंट्स हैं वो फिक्स क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, उनको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। डॉक्टर भवतोष शर्मा इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं छोटे शब्दों में यही बताऊंगा कि स्टैंडर्ड्स बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती हैं बच्चों। हम लोगों को कई बार क्या होता है, जैसे पानी है ना, पानी के अंदर से अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर चीज देखनी है कि ये इसके अंदर कोई ड्रग्स तो नहीं आ रही है, किसी तरह का कोई केमिकल तो नहीं आ रहा, तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट को तो केमिकल की पहचान नहीं है, हमारा इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल बुद्धू है। तो हम क्या करते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड दिखाते हैं, यानी उसको पहले एक स्टैंडर्ड उसके थ्रू रन कराते हैं, तो उसको पता चल जाता है ओके अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट ये इतनी कंसंट्रेशन पे और ये वाला सिग्नल आना चाहिए। फिर जब हम अपना सैंपल रन करते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। इसे हम, आप ये समझिए कि ये एक तरह से पैमाना है कि किसी लेबोरेटरी के अंदर पैमाना चाहिए होता है कि भाई आपको किसी चीज की पता लगाना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो चीज होती कैसी है, ठीक है। तो जैसे तराजू के लिए, अगर तराजू ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप कैसे करते हो कि उसके अंदर एक 10 ग्राम का कोई वेट रखोगे पहले। तो तराजू अगर 10 ग्राम की रीडिंग सही दे रहा है तो आप कहोगे ओके ये ठीक है। तो वो 10 ग्राम का जो वेट है वो क्या है, स्टैंडर्ड है। केमिकल्स के केस में भी ऐसा ही होता है, हम प्योर कंपाउंड लेते हैं उनको एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि लैब के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि उनके अंदर किसी तरह उसके उनके पास किसी तरह का एक्सेप्टेबल प्रूफ होना चाहिए ट्रेनिंग का। इंडिया में भारत सरकार ने MHRD और DST के साथ मिलके एक स्कीम चलाई हुई है, वो है इंडियन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी करके, ऐसे एक लेबोरेटरी है, वो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाती है ग्रेजुएट लोगों के लिए। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को कि वो लेबोरेटरी में जो ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं इनका सर्टिफिकेशन कराते हैं, 6 महीने, साल भर, अलग अलग ड्यूरेशन के ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम है। और ये बहुत इम्प्लॉयबल चीज है, मतलब इनकी प्लेसमेंट
या डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसमें आपको बताया जाता है कि भाई किस तरह की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, किस तरह से हम लोगों को लैब में प्रैक्टिस करनी चाहिए, या क्या क्या हमारे गाइडलाइंस होती हैं, तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो जीएलपी में ऐसा कहा जाता है कि जितने लैब में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के पास में किसी ना किसी तरह का सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि उनको इन सब चीज की ट्रेनिंग मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, लैब का भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। लैब का सर्टिफिकेशन क्या, आज की डेट में अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे हिंदुस्तान में एक एनएबीएल है, नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, भारत सरकार की ये जो संस्था है, ये अगर आप चाहें तो अपनी लैब्स में इनको इनवाइट कर सकते हैं कि भाई ठीक है आप हमें हमारी लैब को देखिए, हमने जीएलपी अपने यहाँ लगाया हुआ है। तो ये क्या करती है, ये पूरा इंस्पेक्शन करेगी आपका और चेक करती है कि आपके पास सफिशियंट स्पेस है या नहीं, जिस तरह का आपके यहाँ काम हो रहा है उसके लिए वेंटिलेशन जितना चाहिए उतना है या नहीं, ट्रेंड स्टाफ है या नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं, स्टोरेज ठीक है या नहीं, हाइजीन आप सही से मेंटेन कर रहे हैं नहीं, इन सबको वो चेक करती है और फिर इस तरह का एक सर्टिफिकेट देती है जैसा स्लाइड में आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का सर्टिफिकेशन अगर लैब में रहेगा तो ये तभी मिल सकता है सर्टिफिकेशन जब लैब के अंदर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे लैब को बहुत बिजनेस मिल सकता है इससे, लैब किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकती है या बहुत तरह की का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है और दूसरे लोगों के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक मिनट डॉक्टर साहब, ओके। ये तो बात थी जनरली गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की बच्चों। अब हम कुछ ऐसी मोटी मोटी बात कर लेंगे जो लैब में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी पीएचडी के दौरान मैं जो है एक लैब में काम करने गया, 2 महीने का समय था मेरे लिए, वो लैब अनजान थी, तो मेरे पास अपना लैब कोट ही था, मैं वो लैब कोट लेके वहां गया 2 महीने काम करने। तो पहले दिन ही उस लैब के जो इंचार्ज थे उन्होंने मुझे एक बुकलेट दे दी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा ये बुकलेट पढ़ो और जो है कल को आना, आज कुछ काम नहीं है। तो वो बुकलेट एक लैब सेफ्टी मैनुअल टाइप की बुकलेट थी, ठीक है, जहां जो है हम लोगों ने देखा कि जिसमें लिखा हुआ था कि लैब में क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना सहना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस किस तरह की सेफ्टी रखनी चाहिए, किस किस तरह के क्राइसिस के टाइम पे किस किस तरह की हमें एक्शन लेने चाहिए, इन सब तरह की डिटेल थी। तो उन्होंने कहा कि जब इसे पढ़ लोगे तो फिर कल आना। अगले दिन जब मैं उसे लेके पहुंचा तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग का फॉर्म मेरे सामने रख दिया। अंडरटेकिंग का फॉर्म जब मेरे पास आया तो उसमें मुझे एक जगह साइन करने थे, उसमें उनकी अपनी जर्मन लैंग्वेज में और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था कि मैंने ये गाइडलाइंस पूरी पढ़ ली है और मैं एश्योर करता हूँ कि मैं ये सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। जब मैंने साइन कर दिया उसके बाद उन्होंने मुझे की इशू करी उस लैब की, ठीक है। और जो है ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि लैब एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, किसी की सेहत किसी की जान का खतरा हो सकता है लैब में। लैब में हर तीसरी चीज ऐसी रहती है कि जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए कुछ एक गाइडलाइंस हैं जो कॉमन गाइडलाइंस है, खासकर बायोटेक्नोलॉजी की लैब में, फार्मा की लैब में, केमिस्ट्री लैब में और इस तरह की तमाम लैब में जहाँ केमिकल्स या ग्लासवेयर पे काम होता है, जो गाइडलाइंस है, ठीक है, उनमें से मोटी मोटी पे कुछ हम जैसे बात कर लें, जैसे जो अटायर होता है आपका, जो पहनने के कपड़े हैं वो एक फिक्स है, आपके पास एक लैब कोट होना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने देखा कि लैब कोट थोड़े छोटे होते हैं, 6-1 साल मैंने काम किया है तो मैंने देखा वहां लैब के कोट इतने छोटे नहीं होते, वहां लैब मम्मी कोट क्या बोल रहे हैं? होते हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि जो है एटलीस्ट अगर कोई चीज आप
बैठे हुए काम कर रहे हैं बेंच पे, तो आपके पैरों पे थाइस पे नहीं गिरती है। अगर हम छोटे कोट पहनते हैं तो उसमें ये दिक्कत रहती है। तो एक तो लैब कोट होना चाहिए, दूसरा सेफ्टी गॉगल्स या सेफ्टी ग्लासेस होने चाहिए, ठीक है। ये पॉलीकार्बोनेट के बने हुए ग्लासेस होते हैं, प्लास्टिक से का मटेरियल होता है, काफी रेजिस्टिव मटेरियल होता है। ग्लव्स होने चाहिए, पैंट्स आपकी सफिशियंट लंबी होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, और जूते होने चाहिए, ठीक है। तो इन सबको हम कह सकते हैं कि ये किसी भी तरह की लैब का एक प्रॉपर अटायर है। ये पहन के ही लैब में काम करना चाहिए, नो मैटर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं उस समय थोड़ी देर के लिए या बेंच पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कई बार मैंने देखा है, इवन मैं यहां भी देखता हूं जब हम लोग प्रैक्टिकल्स कराते हैं पीजी स्टूडेंट्स को, या कई बार मेरी लैब में भी मुझे बच्चों को टोकना पड़ता है। मेरी जो खुद की रिसर्च लैब है, ठीक है, वहां पे बच्चों को शुरू में टोकना पड़ता है जो नए बच्चे आते हैं, कि इस तरह के जो खुले पैर वाले जो सैंडल्स होते हैं या चप्पल होती हैं, वो पहनने में भले ही बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन लैब में अक्सर उनसे नुकसान हो जाता है, ठीक है। कई बार कोई हैवी चीज गिर सकती है आपसे, कई बार केमिकल गिर सकता है, कोई जलती हुई चीज भी गिर सकती है। तो उन सब से बचने का तरीका यही है कि आप इस तरह के फुटवेयर लैब में पहन के नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया है, हमने अपनी लैब में 6 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, स्लिप इन वाले, ठीक है। तो अब होता क्या है, बच्चे जैसे बाहर से कैसे भी अगर जूते या सैंडल पहना, वैसे सैंडल या चप्पल उस तरह से पहनाते हैं, तो लैब में हम लोग जब भी जाते हैं तो अगर किसी ने शूज पहन रखे हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज वो अपनी चप्पल उतार के या सैंडल उतार के वो जूते पहन के ही काम करें। कंफर्टेबल है, सुंदर नहीं लगते, लेकिन लैब में सुंदर दिखा के करना भी क्या है, ठीक है, काम ही करना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जूतों का एक तो विशेष ध्यान रखते हैं। एक दूसरी चीज और बच्चों, कि लैब में कोशिश करनी चाहिए कि हम हाथ में खासकर किसी तरह की कोई ज्वेलरी ऐसी फैंसी, जो जिसे हम बोलते हैं ना कि लटकने वाली जो ज्वेलरी होती है, वो इस तरह की ज्वेलरी ना पहन के आए। उसके दो नुकसान हैं। पहला तो कई बार क्या होता है, एक बार मैंने देखा कि कई बार जब हम फ्यूम्स से काम कर रहे होते हैं, कोई एसिडिक या कोई कोरोसिव रिएजेंट हो और फ्यूम्स निकल रही हो, तो अगर कोई आपका महंगा आर्टिकल है जो आपने पहन रखा है, होता क्या है, उसकी ऊपर की लेयर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, उसका रंग चला जाएगा, खामखा आपको दोबारा पॉलिश कराना पड़ेगा। दूसरा एक नुकसान ये रहता है कि अब लैब में काम कर रहे हो तो ग्लास फेयर भी धोने पड़ेंगे, साफ सफाई भी करनी पड़ेगी अपने बेंच की। तो पता लगा आपने कोई अंगूठी इस तरह की पहन रखी है, या बैंगल्स इस तरह की लूज पहन रखी है, या कोई हैवी घड़ी पहन रखी है, कि आपका ग्लास वेयर के अंदर हाथ नहीं जा रहा है, या हाथ लग भी गया तो उससे ग्लास वेयर टूट गया, आपको फिर चोट लग गई, राइट। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, इस तरह की ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए जो वहां आपको नुकसान कर सके। दूसरा, कपड़े बहुत लूज नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा बैगी टाइप के कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो लैब में कई बार मूविंग पार्ट्स भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वैक्यूम पंप चल रहा है, ठीक है, या किसी और तरह का कोई पेरिस्टल्टिक पंप चल रहा है, या कोई फ्लेम पे कोई काम कर रहा है, तो वहां क्या हो जाता है, या कोई हीटिंग का काम कर रहा है किसी उसमें, तो वो कपड़े या तो उसको गिरा देंगे आपके ग्लासवेयर को, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम काम तो कुछ और कर रहे होते हैं, वो कपड़ा लटकता हुआ जो है वो ग्लासवेयर गिर जाता है, आपका केमिकल भी खराब हो गया और ग्लासवेयर भी टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कई बार बड़े बालों से दिक्कत हो जाती है लैब में। मैंने खुद एक बार ये देखा है कि आप खुद, आपको पता रहे कि भाई आपके बाल कहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई साथ में दूसरा आदमी कहीं काम कर रहा है और आपके बाल खुले हैं, तो काफी गुंजाइश है कि कोई केमिकल या किसी और तरह की फ्यूम या फ्लेम से आपको नुकसान हो सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों कि फ्लेम से अपने बालों, अगर किसी के लंबे बाल हैं, तो एटलीस्ट लैब में काम करते हुए उनको क्या करना चाहिए, उनको बांध के रखना चाहिए,
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लैब में काम करते हुए हमें देर हो जाती है, ठीक है, लंच टाइम आ जाता है, आप सोचते हो टाइम बचाते हैं, यहीं खा लेते हैं या यहीं पी लेते हैं, कोई जन अब थर्मस ले आया, सोच रहा है मैं यहीं पे ही अपना खाने पीने का काम निपटा लूं, ये तो मेरी वर्किंग बेंच है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया, लैब में हर तीसरी चीज आपके लिए टॉक्सिक या हार्मफुल चीज है। खाना जैसे ही एक्सपोज होता है तो उसमें कई तरह के केमिकल्स जा सकते हैं, और लैब में 99.9% केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे खाने में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर कभी आप किसी ऐसी लैब में काम कर रहे हैं जहां लोग माइक्रोब्स पे काम कर रहे हैं या पैथोजेंस पे काम कर रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि आपका फूड कंटामिनेट हो जाए। तो जहां तक हो सके लैब में ना तो खाना खाना चाहिए ना किसी तरह का ड्रिंक पीना चाहिए। आपको यही काम करना है तो आप जो है लैब से बाहर आके कर सकते हैं, या अगर आपकी लैब में इस तरह का प्रोविजन है कि लैब से अलग एक कंपार्टमेंट बना हुआ है ऑफिस टाइप का जो भी पूरा वेंटिलेटेड है, तो आप वहां ये काम कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि लैब के ग्लासवेयर में या लैब के दूसरे लैब वेयर्स में आप खाने पीने की चीजें, खाने पीने का नाम काम ना करें। आप कितना भी ध्यान रखेंगे कंटामिनेशन या हार्मफुल चीजें उसमें आ जाती है। कई बार मैंने देखा है बच्चे लैब में क्या करते हैं ना, चाय बनाने का पूरा इंतजाम रहता है, ठीक है, तो चाय बना लेते हैं, इट इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये नुकसान दे सकता है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब। अच्छा, अब लैब में अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि जब कभी हम काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि टीचर पूरे टाइम वहीं पे ही जो है आप लोगों के चारों तरफ रहे, खासकर रिसर्च लैब में या जब आप पीएचडी वगैरह करेंगे या डिसर्टेशन कर रहे होंगे तो पूरे टाइम टीचर वहां नहीं रह सकता। हो सकता है कोई ना कोई सीनियर हो वहां आसपास, और जब काम करते हैं ग्लासवेयर से, केमिकल से, इंस्ट्रूमेंट से, तो बहुत संभावना होती है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट किस तरह के हो सकते हैं, कई बार कोई ग्लासवेयर टूट जाता है, कई बार केमिकल से भरा हुआ बर्तन आपके हाथ में होता है वो नीचे गिर जाता है, कई बार किसी चीज में आग लग सकती है, किसी चीज में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो कहा यह जाता है कि चूंकि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको हो सकता है आप उस काम को करते हुए आपको 5 महीने 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आपको इतना अनुभव नहीं है जितना आपके सुपरवाइजर को अनुभव है। प्लस एक्चुअली योर सुपरवाइजर इज द होल सोल रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सेफ्टी ऑल्सो। तो नो मैटर कितना भी छोटा एक्सीडेंट हो, कितनी भी छोटी चीज हो, डरना नहीं चाहिए, तुरंत अपने सुपरवाइजर को बता देना चाहिए। एक समझदार सुपरवाइजर या सभी सुपरवाइजर का यही काम है कि इस चीज की अनदेखी करके कि कोई चीज टूट गई है, इस चीज पे शुक्र मनाना चाहिए, चलो भाई कोई बच्चे को नुकसान नहीं हुआ, और इससे कैसे बचा जा सकता है और आगे क्या करना है, कैसे इसको जो है कवर अप करना है, कैसे इससे छुटकारा पाना है, उस चीज में बच्चे को गाइड करना उनका काम होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जब तक बड़ा एक्सीडेंट ना हो तब तक टीचर को बताएं ही ना, कोई ग्लासवेयर भी टूटता है तो सर ये ग्लासवेयर टूट गया क्या करना है, ठीक है, टीचर बताएगा कि जो है ऐसा करो कि इसको उठा के ग्लव्स पहन के इसे उठाओ और उठा के जो कंटेनर है टूटे हुए कांच का उसमें डाल दो। ज्यादातर लैब्स में जो ठीक से रखी जाती हैं लैब, उनमें प्राय इन सब चीजों के लिए अलग अलग कंटेनर रहते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए अलग वेस्ट का एक रहता है, इनऑर्गेनिक के लिए अलग रहता है, ग्लासवेयर का लिए अलग रहता है, ठीक है, तो इस तरह का आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट, लैब में जब हम जाते हैं बच्चों तो हमें बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलते हैं। इन सिंबल्स का हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है, और ये सिंबल्स जिन चीजों पे लगते हैं वो हम लोगों को उनसे कैसे डील करना है, राइट। तो ज्यादातर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इन्हें देख के ही समझ में आ जाता है, लेकिन अगर किसी पे ये पीला रंग और काला त्रिकोण दिखाई देता है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी चीज है जहां ध्यान देना जरूरी है, राइट। ओके, नेक्स्ट। तो अगली जो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
लैब्स में, खासकर अब जो लैब्स बन रही हैं और आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि जो लैब्स इंडिया में बन रही हैं, वहाँ कई सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को ये जीएलपी के थ्रू मैंडेटरी किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने यहाँ एक लेबोरेटरी बिल्डिंग बना रहे हैं यूजी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, साइंसेस के लिए, तो हम लोगों ने भी इसका प्रोविजन रखा है। इसको हम बोलते हैं सेफ्टी शावर, ठीक है। लैब के कोने में ये एक जगह लगा रहता है, इसमें एक हमें हमेशा पूरे टाइम एक फिक्स जो है वो 25-30 लीटर का पानी का रिजर्वायर इसके लिए डेडिकेटेड रहता है। इसमें एक शावर रहता है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई एक रिएक्शन की, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया और उसमें स्पिल हो गया, या कोई केमिकल ऊपर रखा हुआ था वहां से गिर गया आपके ऊपर, तो ऐसे में क्या होता है कि ज्यादा देर वो स्किन के कॉन्टेक्ट में ना रहे, उस आदमी को या उस इंसान को तुरंत उस शावर के नीचे ले जाके हम वहां से वॉश ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। या कई बार मान लीजिए आपके चेहरे या आंखों में कोई केमिकल गिर गया, तो उसके लिए इसमें आई वॉशर रहते हैं, जैसे इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप फोर्सफुली अपनी आंखें दोनों खोल के और उसे ऑन कर देते हैं और पानी से रिंस हो जाता है। तो इस तरह की लैब सेफ्टी की चीजें लैब में होती हैं, इनका हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि भाई किस चीज का कैसे यूज करना है। एक आखिरी चीज और बता दूं आपको, नेक्स्ट डॉक्टर साहब, फ्यूम हुड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है बहुत सारी लैब्स का। फ्यूम हुड अगर लैब्स में है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारी दुश्वारियों से बचा जा सकता है। फ्यूम हुड एक ऐसी चीज है बच्चों, जो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हमें देता है लैब के अंदर, खासकर फार्मास्यूटिकल या बायोटेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री से रिलेटेड या और एनालिसिस से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लैब्स में फ्यूम हुड एक तरह का इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, जो एक आपको स्पेस देता है काम करने के लिए। ये प्रॉपरली वेंटिलेटेड होता है, ठीक है, जहां सिंक, लाइट, गैसेस, वैक्यूम सब का प्रोविजन अंदर ही रहता है। कई बार रिएक्शन होते हुए हार्मफुल या किसी और तरह की टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो वो लैब के चारों तरफ मौजूद लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उस तरह की रिएक्शंस को इस फ्यूम हुड में किया जाता है। तो जहां कहीं ये फ्यूम हुड हो तो इनका उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा भी लैब सेफ्टी से रिलेटेड बहुत तमाम तरह की बातें करी जा सकती हैं बच्चों, लेकिन टाइम का अभाव है, एक बज चुका है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ इस लेक्चर को फिलहाल यहीं रोकते हैं। अब आप लोग अपने क्वेश्चन चाहें तो फटाफट से पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। आपके समझाने वैसे तो आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। डॉक्टर सैनी जी, बहुत बहुत आपने सुंदर लेक्चर दिया और हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी भी आपसे सुनने के लिए कुछ इच्छुक हैं, तो मैं अपने, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो जी। मैं अपने पार्टिसिपेंट से दो तीन बातें बताना चाहूंगा अभी। एक तो हम चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक डाल रहे हैं, तो आप जरूर चैट बॉक्स को अनदेखा न करिए और चैट बॉक्स में जो लिंक है फीडबैक फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपके जो ई सर्टिफिकेट्स बनेंगे, आपकी जो अटेंडेंस है, वो ये फीडबैक फॉर्म का लिंक है। तो कृपया इस लिंक के माध्यम से फीडबैक, आपका फीडबैक भी हमें मिल जाएगा और आपका जो आगे आने वाले समय में हम आफ्टर 1 वीक आपको हेलो जो हेलो सर, हेलो ईमेल से सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सर, आप फीडबैक के लिंक को जरूर भर दीजिए। और दूसरा ये है कि हेलो आज का जो व्याख्यान है उसके अंतर्गत बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया था, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जरूर आप अपनी क्वेरीज को पूछिए और आपकी क्वेरीज हमारे लिए और बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होंगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन, हो सकता है आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो दूसरे के मन में भी आ रहा हो, तो कुछ लोग नहीं पूछ पा रहे हैं या कनेक्टिव भी, हेलो सर, तो जरूर आप अपने क्वेश्चन उठाइए प्लीज। हेलो सर, हेलो सर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। डॉक्टर बहुतो थैंक यू जी, सो मच सर। वन बाय वन प्लीज आस्क द हेलो, क्वेश्चन वन बाय हाँ वन। हाँ जस्ट ए मिनट। हेलो मैं आप सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अपना नाम बोले और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं कि आप, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं, फिर अपना क्वेश्चन कीजिए। तो पहले आप इसमें चैट बॉक्स में आप अपने हैंड को रेज भी कर सकते हैं, जैसे हर्षिता वर्मा है, हर्षिता वर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हर्षिता वर्मा जी, सुमन खंडूरी, सुमन खंडूरी जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
सुमन खंडूरी जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। ये हमारे विवेक भट्ट जी हैं, हैंड रेज किया है विवेक भट्ट जी। इंडिया में जीएलपी की स्थापना कब हुई? आपकी आवाज नहीं आ रही भट्ट जी। इंडिया में जीएलपी की स्थापना कब हुई थी? इंडिया में जीएलपी की स्थापना किस साल में हुई इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इंडिया में जीएलपी की स्थापना है ये मुझे मालूम है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे जीएलपी फॉलो हो रहा है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट? ये सुमन खंडूरी जी, आपने हैंड रेज किया है हेलो सर, जी, आप बोलिए प्लीज, पूछिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बनवारी लाल जी प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, हेलो, हाय सर, आई वांट टू से समथिंग हाँ थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। सर। एज वी नो ऑल दैट वी आर वेबिनारिंग ऑन ए लैब प्रैक्टिक लैब वेबिनार, सो आई वांट टू से आई एम ए स्टूडेंट ऑफ HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी एंड आई एम फ्रॉम बेसिकली जयपुर राजस्थान एंड नाउ आई एम परस्यूइंग माय BSc हॉर्टिकल्चर फ्रॉम दिस HNBGU। सर आई वांट टू से द लैब कंडीशंस ऑफ HNBGU इज वेरी पुअर, तो हाउ कैन वी बी इम्प्रूव इट, विल यू प्लीज टेल मी। ओके, तो आप जहाँ से बोल रहे हैं, आप किसी डिग्री कॉलेज से बोल रहे हैं या यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं? मेरी आवाज आ हेलो, रही है आप तक? यस सर, हाँ, तो आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? नो सर, आई एम परस्यूइंग माय कोर्स इन यूनिवर्सिटी HNBGU गढ़वाल फ्रॉम श्रीनगर बिरला कैंपस। अच्छा, तो किस किस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि लैब की कंडीशन ठीक नहीं है? अच्छा, मेरे ख्याल मैं ही आंसर दे देता हूँ। देखो बच्चों, ऐसा है कि जब हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो हमें तमाम तरह की लैब्स देखने को मिलती हैं, ठीक है? पिछले 8-9 साल से, जब से मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में हूँ, तो रूसा की वजह से, रूस जो है, कई लैब्स देखने का संयोग हुआ है। तो रिसोर्सेस का जो अभाव है वो मेजर कारण है कि लैब्स हमारे यहाँ उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की लैब एटलीस्ट UGPG लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे अब जैसे टाइम बदल रहा है और इस तरह की चीजें अब बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे मैंने तुम्हें ये फाउंटेन वाली चीज दिखाई, ये हार्डली किसी सरकारी यूनिवर्सिटी की लैब में, ये IITs में मिल सकती है आपको, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शायद आ गई हो, नई लैब बनी हो जिनके यहाँ, वहाँ इस तरह की मौजूद नहीं है। तो कारण यही है कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव और फंड का जो कारण है उसकी वजह से लैब का रख रखाव उतना अच्छा नहीं हो पाता बच्चों, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल हम स्टूडेंट्स का भी रहता है कि हम पढ़ते तो हैं किताब में कि भाई इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज किया जाता है, पर मैंने देखा है कि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मान लीजिए आप लैब में ही काम कर रहे हैं तो वो जो बैलेंस है जहां आपको वेइंग करने जाना है, ठीक, तो आप उसके चारों तरफ आपका सॉल्ट या केमिकल गिरा रहेगा, हम इतनी जहमत नहीं उठाते कि उसको चारों तरफ से साफ कर दें। उनमें से बहुत सी चीज हाइग्रोस्कोपिक रहती है, हम लोगों के चले जाने के बाद वो पसीज जाती है यानी मॉइस्चर ले लेती है, आसपास के एरिया को खराब और गंदा कर देती है। साफ सफाई लैब में जितनी ज्यादा हम बच्चे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। धीरे धीरे मुझे लगता है कि सभी लोगों में इसकी जो है वो जागरूकता आएगी और हमारी लैब जो है वो आज से धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं मनीषा कुमारी बोस, ये कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही है। मनीषा कुमारी बोस आपने हैंड रेज किया है। हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मनीषा, बताओ। सर मैं सर जी प्लीज गिव योर इंटरव्यू। सर मैं यस सर ओके सर मैं एक स्टूडेंट हूँ सर। मेरी अभी यूजी की डिग्री चल रही है सर, लास्ट ईयर पे हूँ। तो सर मुझे एक लेबोरेटरी से लेके एक डाउट क्लियर करनी थी। लाइक सर हमारे अभी समय में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ऑप्शंस बंद हो रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो सर ऐसे में हमें प्लेसमेंट चाहिए होता है, तो सर जैसे ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो सर आपने बताया था लेक्चर के ड्यूरेशन में कि हम वो कर सकते हैं 6 महीने का कुछ, और उसमें हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा जिसकी मदद से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। तो सर उस इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग प्रोग्राम के इंक्वायरी लेनी थी सर, जानकारी लेनी थी। ओके आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक लिंक यहां शेयर कर देता हूं। अगर आप वैसे भी अगर आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे जो हैं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है जी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंडिया करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में। ये कई सारे कोर्सेज चलाता है एंड इसके अलावा इसी के अंदर एक जो अलग अलग कोर्सेज चलाता है इसमें जीएलपी पे एक कोर्स है जिसके लिए ये ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है। और एडमिशन जो है वो आपके मार्क्स की मेरिट के हिसाब से होगा। आप इसका प्रोस्पेक्टस और फीस वगैरह वहां जाके देख सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका आई थिंक इसका ऑनलाइन है, तो ये जो लिंक मैंने दिया है इससे अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएंगी। इसी वेबसाइट पे इन्होंने दर्जनों कंपनी जहां पर ये प्लेसमेंट भी देते हैं। कुछ और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में अगर हम ट्रेनिंग करते हैं बच्चों, तो मैंने अभी हाल ही के सालों में देखा है कि जो कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर हो, खासकर से जब से स्किल इंडिया का मूवमेंट चला है, तो वो लोग प्लेसमेंट में आपको बहुत हेल्प करते हैं। चाहे ये 6 महीने की ट्रेनिंग हो चाहे साल भर का डिप्लोमा हो, लेकिन वो ट्रेनिंग में आपको हेल्प करते हैं। और टाइम टू टाइम लड़कियों के लिए जैसे थोड़े टाइम कुछ टाइम पहले जो है वो साइबर सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी ने कराया था, तो उसमें प्लेसमेंट उन्होंने करके दी। उन्होंने कहा था हमें सिर्फ आप ग्रेजुएट बच्चे दे दीजिए, लड़कियां दे दीजिए और हम उनको ट्रेन करेंगे और प्लेस करेंगे। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस तरह से रहता है। आप यहाँ जाके देखेंगे तो शायद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर। डॉक्टर साहब मैं अपने पार्टिसिपेंट से कुछ, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हमें लेबोरेटरी जो बेस्ट लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज हैं उसमें सेफ्टी मेजर्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर भी आपके अंडर में और बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, तो मैं कभी हमें देखने का मौका भी मिला है। तो बच्चे बड़ी आपकी लैब बहुत ही सुव्यवस्थित रहती है और बच्चे बहुत अनुशासन में रहते हैं। किसी भी लेबोरेटरी में जो उसका रिसर्चर है, जो उसमें काम करने वाला स्टूडेंट है, वो अगर अनुशासित रहेगा तो उसका सारा का सारा प्रभाव उसके परिणाम पर रिजल्ट्स पे आता है कि उसने कितने मन से किया है और अनुशासन के साथ में किया। मैं एक दो चीजें अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब
रिसर्च में था, पीएचडी कर रहा था, तो हमारे एक साथी ने, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने फ्यूमिंग हुड की बात की कि फ्यूमिंग हुड का प्रयोग हमें करना चाहिए, यूज करना चाहिए। फ्यूमिंग हुड का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम कोई इस तरह का कोई केमिकल है जो वेपोराइज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको निश्चित तौर पर कोई भी एसिड की बोतल हमें फ्यूमिंग हुड में ही खोली चाहिए। तो हमारे एक मित्र ने गलती से, और हम भी थे उस कमरे के अंदर, उस रूम के अंदर, लैब के अंदर, और हमारे एक दो साथी भी थे, उसने अमोनिया की बोतल को बिना किसी फ्यूमिंग हुड के खोल दिया। अमोनिया की बोतल जो आप जब लिक्विड अमोनिया की जब आप बोतल खोलते हैं, तो उस पर जो टीन का या लोहे का जो ढक्कन होता है, उसके बाद एक प्लास्टिक का भी ढक्कन रहता है, ताकि वो बिल्कुल भी बाहर उसकी स्मेल ना जाए या वो लीकेज ना करे। तो उसने गलती से उसको फ्यूमिंग हुड को, फ्यूमिंग हुड अवेलेबिलिटी थी, लेकिन उसको जो हमारी सिंक होती है उसमें रख के ओपन कर दिया। अब ओपन करने पर क्या हुआ, जो प्लास्टिक का ढक्कन था वो बहुत ही तीव्रता से लेबोरेटरी की जो छत होती थी, छत का जो लेंटर था, उस पर जाके लगा और पूरी की पूरी बोतल आधी रह गई। एक एक सेकंड के अंदर वो बोतल आधी रह गई, पूरा का पूरा एकदम झटके से वेपराइज हो गया। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो स्टूडेंट हमारा साथी काम कर रहा था, तो उसका आंखों में उसको एक घंटे तक कुछ दिखाई नहीं दिया, उसका चश्मा भी नीचे गिर के फूट गया, और उसकी स्मेल, उसकी जो गंध थी अमोनिया की, लिक्विड अमोनिया की, वो पूरी जो बिल्डिंग का फ्लोर था पूरी में फैल गई, और सारे लोग बाहर आ गए कि इतनी ये इस तरह का क्या हुआ कि आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो उस लड़के को एक घंटे तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ठंडे पानी के छींटे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये लेबोरेटरी प्रिकॉशंस हैं जिनको लेना ही चाहिए। दूसरी, अगर एक स्टूडेंट गलती करता है तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं सभी को दिक्कत हो सकती है। तो एक व्यक्ति का अनुशासन अगर बिगड़ता है तो लैब का एनवायरमेंट जो है वो काम करने लायक उतना नहीं रह जाता है, और सभी के काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट, जो हमारा काम करने का तजुर्बा तरीका है, उससे दूसरे भी अनअफेक्टेड रहे, उनका काम भी बदस्तूर चलता रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारा, डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है, आप 6 से 7 वर्षों तक भारत से बाहर आपने लेबोरेटरीज में बहुत सारी विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं में काम किया है, और मैं आपको यहाँ भी देखता था IIT रुड़की में भी, आप कितना तन्मयता और ईमानदारी से काम करते थे और अपने साथियों को कराते भी थे। मैं यहाँ यूसर्क के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हम यूसर्क यानी उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, हमारे द्वारा, यूसर्क के द्वारा एक बेसिक साइंस लेबोरेटरी डेवलप की गई है, जिसमें बेसिक साइंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साथ ही साथ वाटर क्वालिटी एनालिसिस लेबोरेटरी भी डेवलप की गई है। प्रयास किया गया है कि अपने स्टेट के जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ बुला करके या उनके कैंपस में जाकर के कुछ ट्रेनिंग दे पाए कि हम वाटर क्वालिटी एनालिसिस मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं या लेबोरेटरी एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना जरूरी होता है, और डॉक्टर साहब ने स्टैंडर्ड के संबंध में मुझे ये बोला था कि स्टैंडर्ड बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाने चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि वेइंग बैलेंस जो हमारा होता है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे रूम का पंखा चल रहा होता है और हम वेइंग बैलेंस में काम कर रहे होते हैं, तो कभी रिजल्ट सही नहीं आएगा उसमें। अगर आपकी हवा भी, उसकी विंडो अगर आपने ओपन छोड़ दी वेइंग बैलेंस की, ऊपर फैन चल रहा है, तो वो आपका जो आपका वे कर रहे हैं वो वेरी करता रहेगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। दूसरा, बैलेंस हमारा एक समतल जगह पर रखा है, उसको एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैब में एंट्री करते ही सबसे पहले स्टूडेंट्स आपस में ये विचार कर लें, चर्चा कर लें कि लैब की सफाई करनी है, गंदी लैब में काम नहीं होगा, अगर डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो आपका रिजल्ट बिगाड़ देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते हैं कई बार, और उसका रिजल्ट, हमारे रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं एक दो चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लेबोरेटरी में जब काम करते हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए, साथ ही हम जो ग्लासवेयर्स यूज कर रहे हैं वो हमारे क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए, रिंस्ड होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, लैब के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि घर से आए, अपना बैग रखा और लैब एनालिसिस में काम में लग गए, तो हमें क्या करना होता है कि हमें अगर कल एनालिसिस करनी है, कल लैब में हमें कोई स्टैंडर्ड बनाना है, तो उसकी तैयारी आज शाम को जाने से पहले करके जाना है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वहां बैठ जाओ, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमारा, हमें कल यूज करना है, ये मान लो ये है हमारा 500 ml का है। अब 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो हमारे पास है, ये साफ सुथरा होना चाहिए पहली बात, उसके बाद ये डिस्टिल्ड वाटर से हमें इसको क्लीन भी करना चाहिए, उसके बाद इसको ड्राई भी करने के लिए ओवन में रख देना चाहिए। ये ड्राई जब हो जाए तब नेक्स्ट डे हमें इसे यूज करना है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि केमिकल्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही यूज करने चाहिए, उनमें इंप्योरिटीज अगर है, कोई भी इंप्योरिटी अगर रह गई, तो आपका रिजल्ट कभी रिप्रोड्यूसिबल नहीं हो सकता है। अब मेरे हाथ में जो है ये बोरोसिल का है, अमूमन हम क्या करते हैं कि
कोई लोकल ग्लास का बना हुआ लोकल स्टैंडर्ड का अगर हम कोई ग्लासवेयर यूज करते हैं, कई बार लीचिंग हो जाती है, तो हमारा जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उसमें उसकी इम्प्योरिटी आ सकती है। हमने मान लो एसिड का यूज किया है या किसी बेस का यूज किया है, या इसको मान लो हमें हीटअप करना है, बहुत सारे हम काम करते हैं लेबोरेटरी में, तो हमारे जो ग्लासवेयर्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी का ग्लासवेयर है उसके साथ में कोई भी आप ग्लासवेयर स्टैंडर्ड क्वालिटी का खरीदते हैं तो कंपनी एक सर्टिफिकेट भी उसके साथ देती है कि ये स्टैंडर्ड है और इसकी इतने परसेंट एक्यूरेसी है, इतने रूम टेम्परेचर पर इसकी एक्यूरेसी इतनी है और डेविएशन इतना है। आपको ये पता रहेगा कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। कई बार हम स्टैंडर्ड बनाने में बहुत सारी मोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें पिपेट कैसे यूज करना है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये मेरे हाथ में पिपेट है, पिपेटिंग हमारी सही होनी चाहिए। ये कोई भी ग्लासवेयर यूज करने से पहले वो कंप्लीटली क्लीन रिंस्ड एंड ड्राई होना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज दैट इसमें मान लो गंदा है, कल की कोई इंप्योरिटी लगी है, कल का कोई केमिकल लगा है, हमने उसको उठा के सेकंड केमिकल में डाल दिया तो वो भी हमारा कंटामिनेट हो गया, उसका भी रिजल्ट कभी सही नहीं आएगा, जो जो उसको इस्तेमाल करेगा उसका रिजल्ट खराब ही होना है। तो हमें ब्यूरेट पिपेट कैसे इस्तेमाल करने हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता, हम फूंक मार देते हैं ऊपर से कि सारा का सारा 1 ml है कि सारा का सारा 5 ml है या 2 ml का पिपेट है, ये हमारा पिपेट है, तो हम इसको सारा निकाल दें, नहीं झटका देकर निकालते हैं। कई बार जितना एक बार नॉर्मली इससे निकल जाता है वो हमारा एक्यूरेट वॉल्यूम होता है, हम इसको झटका देंगे तो वो होता है हमारा एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो इसकी पिन में यहाँ पे शेष रह जाता है। इसी तरह से हमें लेना कितना है, इसमें जहाँ ऊपर जो इसका निशान है कि जहां तक हमें इसको बबलर से सक करना है वो हमारा 1 ml हो गया। कई बार हम क्या करते हैं, इतना सक कर देते हैं कि वो झटके के साथ ऊपर बबलर के अंदर घुस जाता है हमारा जो स्टैंडर्ड है, और वो उसका इम्प्योरिटी उसमें मिल जाती है। और हमें ये भी देखना है कि हमें इसका जो साइन है जहां पर 0 लिखा हुआ है वहां तक लेना है, लोअर मेनिस्कस लेना है या अपर मेनिस्कस लेना है, हम कौन सा जो हमारा एक सॉल्यूशन है उसको ले रहे हैं, तो उसको देखने के लिए हमें पहले से हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमारा कलर्ड है या कलरलेस है, ये सारी चीजें होंगी। और बहुत सारी चीजें हैं, कई बार हम स्टैंडर्ड बनाने में मोटी मोटी गलती कर जाते हैं, मान लो हमें 1 liter का बनाना है या 50 ml का 500 ml का बनाना है, तो हम बीकर से भी कर देते हैं कि 500 बीकर का हमने ले लिया डिस्ट्रीब्यूटर, इसको मिक्स करें, नहीं ये दोनों का अलग अलग यूज है। एक ये मेरे पास बीकर है, ये भी 500 ml का है, और ये हमारे पास ये बोरोसिल का दोनों है, और ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। तो स्टैंडर्ड बनाने में हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का ही यूज करना है, बीकर से कभी भी हमें वॉल्यूम को नहीं लेना है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमें लेना होता है, जो HPLC चलाते हैं फार्मा के सेक्टर में गए या केमिस्ट्री लेबोरेटरी में गए, ये HPLC बॉटल्स होती है, तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड ग्रेड की होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे महंगे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं और हमारी जरा सी लापरवाही से वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमें आगे अपने जो हमारा काम है उसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करूंगा आपको। डॉक्टर साहब ने बताया कि केमिकल्स स्टैंडर्ड ग्रेड की होनी चाहिए। कई बार हमसे गलती नहीं होती है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके एंड से भी गलती हो जाती है। हम कोई भी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो एसीटोनाइट्राइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एसीटोनाइट्राइल आपने यूज किया HPLC में या किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसमें क्या है, आप उसका बैच नंबर नोट करिए। सबसे पहले जो आपने बोतल खोली है वो बैच नंबर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कंपनी क्या है, ये आपके रजिस्टर में होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको एसीटोनाइट्राइल यूज करना है तो हो सकता है आपके पास सप्लाई दूसरी कंपनी की आ जाए, आपकी लैब में आपके स्टोर में एक से ज्यादा कंपनियां एक चीज बनाती हैं, तो बहुत सारी कंपनी स्टैंडर्ड होती हैं, दूसरी बार दूसरी स्टैंडर्ड कंपनी का हमारे पास वही सेम सॉल्वेंट अगर आ गया, केमिकल आ गया, और लेकिन उसमें एक्यूरेसी में हमारा गड़बड़ा जाता है मामला। तो हमें ये सब नोट करना चाहिए कि हमने पहले जो हमारे पिछले 6 महीने के या साल भर के जो रिजल्ट्स हैं वो हमने ये केमिकल इस कंपनी का इस्तेमाल किया है। अब अगर हमने कंपनी चेंज करी तो हमारे रिजल्ट्स में चेंज आ सकता है, बहुत सारी संभावना रहती है कि उसमें कोई इंप्योरिटी हो या कुछ इस तरह की इंप्योरिटी हो जिसे हम चाह के भी दूर न कर पाए। तो इस तरह की चीजें जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, निश्चित रूप से वो न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हम सभी के लिए, जो हम टीचर्स जुड़े हुए हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम सभी ने किया है, और समय समय पर हमको इस तरह की चीजें कहीं से मिलती हैं सीखने को, तो वो हमें सीखनी चाहिए। और मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे बहुत सारा समय अपना यहाँ दे रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मैं कार्यक्रम को अब अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाते हुए और अपने सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मंजू सुंदरियाल मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे
रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के कार्यक्रम में हमारे जो एक्सपर्ट हैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर मंजू मैम यू सर्क से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू डॉक्टर भतूस। सबसे पहले तो मैं आज के इस लेक्चर सीरीज में डॉक्टर भतूस और डॉक्टर सैनी आप दोनों को मैं बहुत ही बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल आज का ये जो सेशन चला हमारा, और जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए अगर वो लैब में काम करेंगे आगे भविष्य में अपने कैरियर में, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स आप लोगों ने दिए, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही अब मुझे आज धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए बोला गया है डॉक्टर भक्तू से, तो मैं सबसे पहले तो हमारी जो डायरेक्टर प्रोफेसर अनीता रावत मैडम है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी उनके गाइडेंस और उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट और गाइडेंस के ये कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सीरीज हम लोग जो चलाते हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो और टाइम टू टाइम मैडम का हमेशा गाइडेंस सपोर्ट रहता है, तो मैम आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और आज के जो सबसे जो हमारे मुख्य वक्ता थे डॉक्टर विपिन सैनी जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत ही एक्सेसिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वंडरफुल आपका जो लेक्चर था कि कैसे हम एक लैब में हम किन एथिक्स का हम पालन करें और कैसे हम किन किन मेथड्स को कैसे हम फॉलो करें, कैसे ग्लासवेयर्स को हम केयर करें या केमिकल्स को केयर करें, तो ये सब की हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स आपने दिए हैं, और आपने जो हमको पूरा अपना सपोर्ट दिया और अपना समय हमारे साथ जो आपने शेयर किया उसके लिए मैं आपको थैंक यू देती हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट से कई साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, शोधार्थी जुड़े हुए, पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, और बिना आपके ज्वाइन होने से ये आज का हमारा ये लेक्चर सीरीज पॉसिबल नहीं था, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, आगे भविष्य में भी आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और आज का जो सेशन है जिसको कंडक्ट करने में और टेक्निकली जो हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं राजदीप चंद, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसके साथ ही मैं सभी लोगों से, डॉक्टर सैनी से और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स आई थी हमारी, वो नेटवर्किंग के कारण कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ, और ये हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर भाटियाल जो कि हमारे रिसर्च में वैज्ञानिक हैं, आपका भी हमेशा सपोर्ट रहा है और हम सभी लोगों का मिलजुल के सारे कोई भी प्रोग्राम में हमेशा सहयोग रहा है, तो डॉक्टर नौटियाल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके साथ ही हमारे यूसर्प की जितनी भी आईसीटी टीम है और भी सपोर्टिंग स्टाफ है, सभी का धन्यवाद। और अंत में सभी हमारे मीडिया वाले भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और अंत में सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने धन्यवाद ज्ञापन किया, सभी का धन्यवाद किया, और आपका भी विशेष धन्यवाद मैम, आपके सहयोग और यूसर पूरी टीम, यूसर के सभी साइंटिस्ट डॉक्टर नोटियाल जी, डॉक्टर सुंदरलाल मैडम, डॉक्टर राणा और हमारी आईसीटी टीम और हमारे बाकी जितने भी साथी हैं, मैं सभी का सहयोग लेते हुए कार्यक्रम हम कर पाते हैं, तो आप लोग कार्यक्रम में जुड़े। स्टूडेंट से फिर हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि फीडबैक लिंक हमने शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, उसको भर देंगे, उसी के बेस पर आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको एक हफ्ता बाद हम दे पाएंगे, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो विद इन आफ्टर ए वीक हम उसको बनवा पाएंगे, फिर आपके मेल पर आएगा निश्चित, थोड़ा अभी इस बार समय लगेगा। फीडबैक लिंक जरूर भेजिए ताकि आपका ई सर्टिफिकेट जरूर आपको आप तक पहुंच जाए, आपके मेल पर पहुंच जाए। ईमेल आप सही लिखिएगा, अगर गलत ईमेल होगा तो आपको नहीं पहुंचेगा, प्लीज अपना नाम सही लिखिएगा, अपना कॉलेज का नाम सही लिखिएगा, अपना ईमेल सही लिखिएगा, और जरूर भेजिए। आपका जो फीडबैक लिंक है वो हमारे लिए फीडबैक तो है ही, लेकिन आपकी अटेंडेंस भी है हमारे पास कि आज आप कार्यक्रम में जुड़े हैं, और उसी के बेस पर आपका सर्टिफिकेट आप तक पहुंचेगा। तो प्लीज मैं फिर शेयर कर रहा हूँ ये फीडबैक लिंक, इसको भर के तभी आप उसको आप अपने आप को लेफ्ट कीजिए, फीडबैक लिंक जरूर भर दीजिए, और पुनः अभी हमारे सभी जितने भी हमारे लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़े शिक्षकगण, बहुत सारे दूरस्थ जनपदों से शिक्षकगण जुड़े हैं, विद्यार्थी जुड़े हैं, स्टूडेंट्स उत्तराखंड से बाहर के, और हमारी यूसर टीम, और सबसे विशेष आभार डॉक्टर विपिन कुमार सैनी जी की
समय समय पर आपका हमें सहयोग मिलता रहता है और हमारे पार्टिसिपेंट के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो निसंदेह बहुत ही यूजफुल है। और कोविड काल जब खत्म होगा तो यूसर अब आउटरीच कार्यक्रम भी करता है और अपने कैंपस में भी इस तरह के ट्रेनिंग्स का आयोजन करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यूसर की वेबसाइट विजिट करते रहिए कमिंग एक्टिविटीज के लिए। और पुनः सभी का सादर धन्यवाद करना चाहूँगा और यूसर इस तरह से इस तरह की चीज़ों को आपके समझ लाने के लिए हमेशा हम प्रयास करते हैं और आपकी डिमांड के आधार पर भी हम कार्यक्रम डिजाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग कि आज जरूरत किस चीज़ की है। टेक्नोलॉजिकल हमारे इंटरवेंशन थोड़े रहते हैं, उसमें हमारा ज़्यादा जोर नहीं चलता है क्योंकि इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो यूसर टीम ने इसको आयोजित किया। मैं पुनः आप सभी से विदा लेते हुए डॉक्टर साहब अगले हफ्ते फिर से ये प्रोग्राम एक नया हम रखेंगे तो उसके लिए भी सारे जी सभी पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि यूसर्क में 2-3 दिन छोड़ के इस तरह की विशेष लेक्चर्स का आयोजन होता रहता है। इस तरह का कार्यक्रम फिर नेक्स्ट वीक में लेके आ रहे हैं, हो सकता है वो कार्यक्रम हम 2 दिन का रखें उसमें कई सेशंस रखें। तो आप यूसर की वेबसाइट देखते रहिए, यूसर का फेसबुक पेज देखते रहिए, वहां सारी डिटेल्स हम शेयर करते रहते हैं। और जहां से भी आपको ये लिंक मिला आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तो आप वहां से जुड़े रहिए और यूसर की एक्टिविटीज में आप प्रतिभाग करते रहिए तो हमारा मेहनत सफल हो जाएगा कि हमने जो किया आयोजन किया एक्सपर्ट ने जो अपना विशेष समय दिया है वो उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को पहुंचा है। तो आप यूसर की एक्टिविटीज में जुड़े रहिए, प्रतिभाग करते रहिए और अपनी क्वेरी जरूर पूछते रहिए। कोई भी कार्यक्रम बिना आपकी क्वेरीज के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो पुनः हम फिर से एक नए कार्यक्रम के साथ अगले सप्ताह आपके साथ फिर जुड़ेंगे। यूसर कुछ नया प्लान कर रहा है, जल्दी से आपको पता भी चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑफ ऑल, सादर धन्यवाद सहित नमस्कार। नमस्कार।